नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुंडली विश्लेषण पर चर्चा करेंगे, पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। हमारे पास एक नई कुंडली आ चुकी है गौतम गोले जी की, चेन्नई से। डेट ऑफ बर्थ है इनका 21 अगस्त 1960। मीन लगन की कुंडली बनती है और कन्या बनती है इनकी कर्क, राशि बनती है इनकी कर्क। दोस्तों, इस कुंडली में सन वीनस और राहु इनके सिक्स हाउस में हैं, मून इनके फिफ्थ हाउस में हैं और केतु 12वें भाव में है, जुपिटर और सैटर्न इनके 10वें भाव में हैं, मार्स इनके थर्ड हाउस में है। यहाँ पर लगन लॉर्ड बहुत मजबूत हो गया है, अपने से 10वें में जा करके वो बहुत मजबूत हो गया है, बहुत ही अच्छा है। जहां तक इस कुंडली से लग रहा है, इन्होंने कभी जॉब नहीं करी होगी, इनका अपना बिजनेस होगा। सन वीनस राहु इनके छठे भाव में होकर के, राहु यहाँ पे छठे भाव का है, इनका बहुत मजबूत हो जाता है। सन भी अपने घर का हो गया यहाँ पर, यहाँ पर इनका सूर्य भी बहुत मजबूत हो जाता है। वीनस थोड़ा सा कमजोर हो गया है इनका। मून कर्क राशि का, अपनी राशि का है, बहुत मजबूत है, फिफ्थ हाउस में। इनकी एजुकेशन अच्छी रही होगी। मार्स थर्ड हाउस में इनको पराक्रमी बनाएगा, हिम्मत देगा, पर जुपिटर और सैटर्न एक साथ 10वें भाव में बैठे हैं तो इनका काम फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ओवरऑल ये कुंडली बहुत ही अच्छी है, इनका पुत्री सुख भी इनको मिलेगा और पुत्र सुख भी इनको मिला होगा। इनकी राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा छठे भाव की है तो काफी अच्छी रहने वाली है इनके लिए। अभी इनका राहु में सैटर्न चल रहा है जो कि इनके काम के लिए अच्छा है, लेकिन काम में सैटर्न आने की वजह से, मीन लगन होने की वजह से, इनका 10वें 11वें और 12वें का मालिक होने की वजह से लाभ तो देगा लेकिन धीमे धीमे देगा, क्योंकि सैटर्न की जो चाल होती है वो धीमी होती है, तो इनको धीमे धीमे रिजल्ट मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। उसके बाद आएगा मरकरी, मरकरी इनके लिए भी, इनके लिए और भी अच्छा होगा, उसमें भी इनको फ़ायदा होने वाला है। इनका क्वेश्चन था कि इनकी सेहत कैसे रहने वाली है आने वाले सालों में। सेहत इनकी अच्छी रहेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता इनको मिलती रहेगी, राहु की दशा है इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इन्होंने पूछा था, ये एक और मकान चाहते हैं अपने बेटे के लिए, तो मकान जो है इनका 2024 के एंड तक बन जाएगा। काफी अच्छा मकान होगा, अच्छा रहेगा इनके लिए, काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये। दान भाव भी इनके अंदर काफी होगा। ओवरऑल ये कुंडली बहुत अच्छी है। फिर इनका क्वेश्चन था कि इनकी वाइफ की हेल्थ कैसी रहने वाली है, इनकी वाइफ इन फ्यूचर कैसा इनके साथ रहेगा। तो वाइफ की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा उनका आपके साथ। इनकी वाइफ भी काफ़ी बुद्धिमान होंगी। ये कुंडली काफी अच्छी है और इनकी एक गाड़ी से रिलेटेड जो समस्या है कि इनके पास
कार लेना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो वो इस साल के एंड तक आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।